हेलो, ये देखो पक्खे की आवाज़ आ सकती है आप लोगों को। मैं वीडियो की तैयारी कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे इडली। इडली की तरह ही बनाएंगे, मतलब देखती हूँ बनता है कि नहीं। ये लिया मैंने ब्लैक सिलेस्टोन, देखूँगी। ये छोटा प्लेट है जो भी बनता है। ये भी ब्लैक सिलेस्टोन, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। मैंने बहुत बड़ा सिलेस्टोन था, मैंने उसको तोड़ लिया है क्योंकि फिर मुँह में ना वो हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखो आपको कितने मोटे मोटे पता लग ही रहा होगा। मैंने तोड़ लिया इसको अच्छे से, ढेर सारा है। वीडियो लंबी हो गई आज तो। ये हो गया ना, ब्लैक सिलेस्टोन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर डालूँगी मैं ये रेड पेस्ट। थोड़ा मैं इसको ना थोड़ा लिक्विड कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा जो है ना। इडली बनाने वाली थी पर अभी नहीं, ब्लैक का ही बना लेती हूँ। ये देखो मैं थोड़ा इसमें पानी डाल देती हूँ, वो लिक्विड में होगा ना तो फिर ये होगा। पक्खा चल रहा है अभी, पक्खे की आवाज़ आ सकती है, गर्मी बहुत है। ये देखो तैयारी की वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए वीडियो कब आएगा। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है मेरा। देखो रेड पेस्ट मैंने डाल दिया अच्छे से। और गिव अवे के लिए लोग बोल रहे हैं, गिव अवे मैंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। अब ये देखो, ये रियो में कोलकाता के बिस्किट, चार बिस्किट लूँगी आज मैं। देखो नहीं, एक तो कमर की प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा देर मैं छुट्टी भी नहीं रह सकती। ये हो गया, मैंने इसकी इडली बनानी थी पर कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाती हूँ। और इसके ऊपर से मैं लूँगी पंजाब की बिस्किट भी। ये देखो मैंने डाल दी अच्छे से। मैं ना डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पंजाब की बिस्किट। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाला है पंजाब की बिस्किट। ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा सॉफ्ट भी अच्छा नहीं लगता, क्रंची वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें चार पांच पीस डाल लेती हूँ ताकि जो क्रंची होगा वो मैं क्रंच कर लूँगी। एक में डाल रही हूँ वाइट, एक में डाल रही हूँ वाइट सिलेस्टोन। ढेर सारा लिया है मैंने इसमें, बहुत थोड़ा पानी भी, लिक्विड सा पेस्ट है। और इसके ऊपर से मैं डालूँगी वाइट वाला पेस्ट, थोड़ी सी डालूँगी गार्निशिंग के लिए, बस ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ना ये वो हो जाता है, मुँह में चिपकती है बहुत ज़्यादा, फिर खा नहीं पाता इंसान। छोटा सा पीस पंजाब के बिस्किट का, देखो यम्मी लग रहा है ना। पता नहीं मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं पता नहीं। ये ढेर सारा सिलेस्टोन कोलकाता का बिस्किट। ये देखो मैंने अच्छे से मतलब वॉश करके ऐसे रख लेती हूँ, फिर सूख जाता है। इसमें जो जो मुझे ठीक लगेगा तो मैं इसका, जैसे मुझे अगर मन करेगा पेस्ट बनाने का पेस्ट भी बना लूँगी। देखो मैं ऐसे वॉश करके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो बनाती हूँ। पहले वॉश करती हूँ उसके बाद ही। तो
मुझे तो बहुत यम्मी लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा। और जहाँ तक रही गिवअवे का, गिवअवे मैंने देने के लिए ही किया है, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को भी बताया है 20 लोगों का पैकिंग करना है और साथ में मेरी एक दो ऑर्डर भी होता है, सबको करना होता है मुझे, तो आप लोग ज़्यादा जल्दी मत करो, मैं कर दूँगी, मुझे जैसे ही पैकिंग हो जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि हाँ पैकिंग हो गया, और जिस दिन जाएगा उस दिन भी मैं बता दूँगी, दो तीन दिन में सारा कर दूँगी। पंजाब की बिस्किट अभी नहीं है मेरे पास, वो आज शाम तक आ जाएगा, तो आज शाम को ही पैकिंग स्टार्ट कर दूँगी मैं। ओके बाय।